भारतीय रेल न सिर्फ यात्रा के लिए बल्कि माल परिवहन में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। साथ ही ये किसानों के लिए भी एक ऐसा माध्यम बन चुकी है जो उनकी आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भारतीय रेल का नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला हुआ है, जिसके जरिए कृषि उत्पादों को रेल परिवहन से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो देश भर में फल, सब्जियों और अनाजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र के नासिक में भारी तादाद में प्याजों की अच्छी पैदावार होती है और यहाँ उगाए गए प्याज को देश के विभिन्न राज्यों तक पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम भारतीय रेल बन गई है। ये न केवल किसानों को लाभ पहुँचा रहा है बल्कि उपभोक्ताओं को भी ताजे और सस्ते उत्पाद मिल रहे हैं। नासिक से प्याज भेजने के लिए भारतीय रेल ने 15 अक्टूबर 2024 को क्षेत्रीय समृद्धि विशेष रेल की शुरुआत की थी। ये ट्रेन देवलाली से दानापुर तक चलती है और इससे अब तक लगभग 234.1 टन प्याज का परिवहन किया जा चुका है। इसके अलावा वर्तमान में बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेल नासिक से प्याज को दिल्ली, चेन्नई और गुवाहाटी जैसे बड़े उपभोक्ता केंद्रों तक भेजने का काम भी कर रही है। अब तक लगभग 10,694.8 टन प्याज इन प्रमुख शहरों तक भेजी जा चुकी है। इस पहल के जरिए छोटे किसानों को अपने उत्पाद सीधे दूरदराज के बाजारों में बेचने का मौका मिला है। समय और लागत की बचत होने के साथ साथ ट्रेन में उनका माल खराब नहीं होता, वहीं उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस तरह भारतीय रेल देश भर के किसानों के सपनों को पंख दे रही है और उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार कर रही है।